ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। नेम प्लेट मामले पर लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब तक तो मामला पॉलिटिकल चल रहा था, लेकिन अब इसमें धर्म गुरुओं की भी एंट्री हो चली है। जी हां, अब कालीचरण महाराज ने कहा कि मुसलमान का ट्रेंड है वे बिना थूके कुछ बेचते नहीं, इसे थूक जिहाद बोला जाता है। मुसलमानों की परंपरा है कि वे बिना थूके कुछ खिलाते पिलाते नहीं। जी हां, अब इस मामले में कालीचरण महाराज भी बयान दे रहे हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं। कालीचरण महाराज दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश के साथ खड़े हैं। रतलाम में इस मामले पर बोलते हुए कालीचरण महाराज ने कहा कि कोरोना काल में लाखों ऐसे वीडियो सामने आए जिससे ये साबित होता है कि मुसलमानों के द्वारा बिना थूक लगाए कुछ भी बेचा जाना संभव नहीं है, इसीलिए मुसलमानों की दुकानों पर नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि गुरुवार को कालीचरण महाराज रतलाम आए थे। यहां पर गौ माता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए श्री रुद्र महाकाल सेवा समिति ने 108 महादेव मंदिर पूजन संकल्प यात्रा कराई, जिसके पूर्णाहुति कार्यक्रम में कालीचरण महाराज इसी में शामिल हुए। यहां कालीचरण महाराज ने कहा कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने जो पहल की वो पूरे भारतवर्ष के धर्मनिष्ठों और राजाओं को करनी चाहिए थी। राजा यानी कि सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ये पहल करनी थी। इन लोगों को आदेश निकालना था जिससे हिंदुओं की धर्म आस्था सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, कालीचरण महाराज ने और भी बहुत कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पहले धर्मनिष्ठ राजाओं ने करनी चाहिए। राजा मैं विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को राजा बोलता हूं। इन लोगों ने निकालने चाहिए ऐसे आदेश जिससे हिंदुओं की धर्म आस्था सुरक्षित रहे, हिंदुओं की पवित्रता सुरक्षित रहे। मुसलमानों का ट्रेंड है कि वो बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं है, थूक जिहाद बोला जाता है। कोरोना काल में ऐसे लाखों वीडियो प्रकाशित हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि उनके द्वारा बिना लब दिए माने बिना थूक लगाए कुछ बेचा जाना संभव ही नहीं है, इसलिए मुसलमानों की शॉप पर उनका नाम लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिससे हिंदू वहां पे ना जाए। मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूं आप सबके चैनल के माध्यम से कम व्रतस्थ होते हुए तो भी मुसलमानों के दुकानों से कुछ भी खरीद के ना खाएं, क्योंकि उनकी परंपरा है बिना थूके वो कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। फल भी है तो उसको वो थूक जरूर लगाएंगे, ऐसे लाखों वीडियो सामने आए हैं। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या है, ये एक पर्शियन कहावत है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है इसको ध्यान में रखते हुए हिंदुओं ने इस प्रकार की सुरक्षा स्वयं ही करनी चाहिए। अगर नेम प्लेट नहीं दिखती दुकानों पे तो वो QR कोड जो होता है पैसे भरने का उसको स्कैन करिए, उस पर बराबर नाम आ जाएगा। वो तो हिंदू नाम नहीं डाल सकता उसमें, डाल भी दे तो वो बहुत रेयर केस हो जाएगी, लेकिन सामान्यतः QR कोड मालिक के नाम से ही होता है बैंक का, क्योंकि बैंक आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है खाता खोलने के टाइम पे। तो इस प्रकार से रियल आईडी के अंतर्गत ही UPI बारकोड बनता है। तो हिंदुओं ने पहले दुकान में जाते बराबर स्कैन करे, धर्म बचाने का यही रास्ता है। जहां पर राजा लोग कावड़ मार्ग क्षेत्र में दुकानों के ऊपर मालिक का नाम नहीं लिखवा सकते वहां पे QR कोड स्कैन करिए हिंदुओं। वैसे इसके साथ ही कालीचरण महाराज ने कहा कि मुझ पर 40 से 50 केस हैं, लेकिन मुझे डर नहीं है, सच बोलने की सजा अगर जेल है तो मंजूर है, मृत्यु है तो भी मंजूर है। आपको बता दें मामला क्या है, इससे पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का समर्थन किया था। पन्ना में एक कार्यक्रम में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अंदाज में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच के रहो ठठरी के वारों से, कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना नाम बदलकर सावन के महीने में गंगा जी के किनारे संकल्प ठोकने लगते हैं, ऐसे लोगों की असलियत सामने आए, इसलिए दुकानों पर असली नाम लिखा जाना चाहिए ताकि पता लग जाए कि माधव की दुकान है या याहू वालों की। बता दें कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िए खान पान के मामले में काफी परहेज करते हैं,
इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कहा कि यात्रा मार्ग पर दुकानों के संचालक या मालिक को अपनी पहचान लिखनी होगी। देश के अनुसार हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया कि सभी दुकानों ठेलों पर अपना नाम लिखें, जिससे कि कावड़ यात्री ये जान सकें कि वो किस दुकान से ये सामान खरीद रहे हैं। हालांकि यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपनी पहचान बताने वाले निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी और कहा था कि दुकानदार अपनी दुकानों पर सिर्फ शाकाहारी या मांसाहारी ही लिखें। लेकिन अब फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब दुकानदार की पहचान लगाने वाले आदेश के समर्थन में याचिका फाइल की गई है। याचिकाकर्ता ने मुजफ्फरनगर एसएसपी के निर्देश का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया कि इस मामले को जबरन सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये याचिका सुजीत सिंह यादव ने दाखिल की है। सुजीत सिंह यादव ने कहा है कि आदेश शिव भक्तों की सहूलियत, आस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया गया था। इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया गया है, लेकिन अब धर्म गुरु भी इसके पक्ष में आ खड़े हुए हैं। बागेश्वर धाम के सरकार के बाद कालीचरण महाराज ने भी योगी आदित्यनाथ के फैसले को अपना समर्थन दे डाला है। अब ये जानिए कि आखिर कालीचरण महाराज हैं कौन। कालीचरण महाराज महाराष्ट्र के अकोला के शिवाजी नगर के रहने वाले हैं। भावसार समाज से आने वाले कालीचरण महाराज का असली नाम अभिजीत धनंजय सराग है। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की है। बताया जाता है कि कालीचरण महाराज के पिता ने बचपन में आर्थिक तंगी के चलते उन्हें अपनी मौसी के घर यानी कि इंदौर भेजा था। यही कारण है कि मराठी भाषी होने के बावजूद उनकी हिंदी पर अच्छी खासी कमांड है। इंदौर में रहने के दौरान कालीचरण भैयूजी महाराज के आश्रम जाने लगे और कुछ ही देर में उनके करीबी हो गए। यहीं से उनके नाम से महाराज शब्द जुड़ गया। कई साल तक इंदौर में रहने के दौरान उन्होंने एक अनूठी वेशभूषा अपनाई और लोगों में जल्द ही फेमस भी हो गए। कालीचरण महाराज कुछ साल पहले उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने मध्य प्रदेश में शिव तांडव स्त्रोत का गायन किया था। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। हालांकि महाराज राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। उन्होंने 2017 में हुए अकोला नगर निकाय में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस चुनाव में कालीचरण महाराज की हार हो गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में अकोला पश्चिम सीट से उनकी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा थी, हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वहीं एक बार सबसे ज़्यादा वो तब चर्चा में आए जब रायपुर में उन्होंने धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे। इसके बाद कांग्रेसियों की शिकायत पर उनके खिलाफ न केवल FIR दर्ज हुई बल्कि उन्हें कई दिन जेल में भी बिताने पड़े। हालांकि तब दिलचस्प ये रहा था कि जिस धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने ये सब कुछ कहा था, उसका आयोजन एक प्रकार से कांग्रेस की ही तरफ से किया गया था और उस कार्यक्रम में कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने पहले तो महाराज का आदर सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और उनके बयान के बाद उन्हीं के खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज कराई थी।